तो आज हम बात करने जा रहे हैं हमारी इस क्लास में वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम सेकेंड ऑब्जेक्ट सीड्स के बारे में पढ़ेंगे। सीड्स हमने आपको स्टार्टिंग जब की थी तो हमें बताया था कि एक्सेल वीवीए में ऑब्जेक्ट के चार ऑब्जेक्ट मेन है, जिसमें एप्लीकेशन था, वर्कबुक था, शीट्स था और रेंज था। हमने होल्ड पे रखा हुआ है, वर्कबुक को हमने पढ़ लिया और बात है वर्कशीट की। जैसे कि यहां पे हम देते हैं शीट्स, शीट को हम कॉल कैसे करते हैं वर्कबुक के लिए, कि वर्कबुक्स और एक्टिव वर्कबुक होता है। ऐसे शीट्स कितने हैं? तो शीट्स में है आपका शीट्स, यहां पे शीट्स, शीट्स के दो नाम होता है, एक कैप्शन नेम, दूसरा प्रॉपर्टी नेम। जैसे हमने यहां पे कर दिया शीट वन डॉट सेलेक्ट, हुआ ए शीट वन हुआ जो बाहर यहां है। अब इसका नाम मैं जैन कर दूं तो यहां मुझे जैन करना पड़ेगा। तो कैप्शन नेम वो कहलाता है जो बाहर यूजर को दिखता है, दैट इज अ कैप्शन नेम। प्रॉपर्टी नेम जो बाहर यहां दिखता है, यहां जो दिख रहा है ये प्रॉपर्टी नेम है। अब प्रॉपर्टी नेम से भी कॉल कर सकते हैं शीट वन डॉट सेलेक्ट, उसके बाद आता है कि शीट्स और इसमें हम नंबर देते हैं कि वन डॉट सेलेक्ट। अब वन क्या है? इस पोजीशन, मान लीजिए सीट फोर को हम अगर वन के पोजीशन में रखता हूं तो जब मैं रन करूंगा तो सीट फोर को सेलेक्ट करेगा। ओके राइट सर? यस। तो सीट वन हमारा ए है, क्लियर है डाउट में? नहीं सर, यानी वो हम अगर जो सीट का नाम लिखा है तो उसे हमें ब्रैकेट में लिखना है। या सीट का नाम देना है तो ब्रैकेट में देंगे। ओके यस। उसके बाद अगर हम सीट का प्रॉपर्टी नेम लेके चल रहे हैं तो डायरेक्ट देंगे। सीट से लेके चलना है भाई, पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन, तो हम ब्रैकेट में नंबर देंगे। जी क्लियर सर। नहीं नहीं सर, इसमें तो कुछ नहीं। दिस सिलेक्ट जो लिखा है यानी वो वन सिलेक्ट ही होगा ना उसमें? तो क्या बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ सीट डॉट सिलेक्ट किया हुआ है, मतलब वो तो एक्शन हुआ, एक्शन कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एक्शन हमारा कुछ भी हो सकता है। ठीक है ठीक है ठीक है। सीट वन डॉट सिलेक्ट कर दिया, मतलब कि हमें उस पे जाना है। जी सिलेक्ट के जवाब में एबीसीडी एक्स वाई जेड एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। जी ओके ठीक है, समझ गया? जी सर। आगे बढ़े इसमें? यस सर। अब बात ये आती है कि तीनों में से हम कब यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हम कैप्शन नेम की बात करते हैं तो जैसे कि सीट हमारा डिलीट होते रहता है, बट नेम हम फिक्स है, जैसे कि समरी, समरी रिपोर्ट, इस तरह के जो एक स्टैंडर्ड नाम है जो कि फिक्स है, चेंज नहीं होते, बट सीट बार बार डिलीट हो जाती है, उस केस में हम कैप्शन नेम लेके चलेंगे। क्योंकि कैप्शन नेम बार बार चेंज होगी तो आपको कोड में आके बार बार चेंज करना पड़ेगा। जैन फैब हो गया तो आपको यहां पे डेटा में जैन को फैब करना। वो फिर मैन्युअली कोड में जाके करना पड़ेगा। तो अगर आपका, क्योंकि सीट, अगर मान लीजिए कि अगर मैं सीट फोर को डिलीट कर देता हूँ फिर एक नया सीट ऐड करता हूँ, इस सीट में नाम मैं सीट फोर रख देता हूँ, तो आप कि यहाँ प्रॉपर्टी नेम फाइव है, क्योंकि जैसे डिलीट होती है प्रॉपर्टी नेम डिलीट हो जाती है और नई सीट की प्रॉपर्टी नेम डिफरेंट होता है। ओके तो यहाँ शीट नेम जो हम, माने कि जब हमारा जो प्रॉपर्टी नेम कब लेते हैं, जो फिक्स कोई सीट का नाम हमें फिक्स ही रखना है, प्रॉपर्टी नेम हम कब लेते हैं? जब हमारे पास सीट के जो नेम है, जो सीट का नाम है वो हमारा फिक्स ना हो, चेंज होता रहा, तब हम लेते हैं प्रॉपर्टी। जब हमारा सीट फिक्स ना हो बट नाम फिक्स हो तो लेते हैं हमारा कैप्शन नेम। कैप्शन नेम नाम फिक्स हो बट सीट फिक्स ना हो तो
क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी नेम। ठीक है सर, ठीक है, क्लियर है, डाउट इसमें? नहीं सर। अगला ऑप्शन इसमें आता है कि ए सीक्वेंस नंबर कब लेते हैं, जब पता ही ना हो कि सीट का नाम क्या है या प्रॉपर्टी नेम क्या है या कैप्शन नेम क्या है। जैसे मान लीजिए कि एक फाइल आपको ओपन हुआ है, उसमें का पूरा डेटा आपको लेना है, फाइल का पूरा डेटा लेना है। अब उस फाइल के अंदर में सीट का नाम क्या होगा, पोजीशन सीट का नाम क्या होगा, हमें आइडिया नहीं है, कुछ भी हो सकता है सर जी। तो उस केस में हम जो है प्रॉपर्टी नेम लेते हैं। प्रॉपर्टी नेम नहीं, ये इस माफ कीजिएगा, ये लेते हैं सीक्वेंस में कि हम सीट की काउंटिंग निकाल लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ सीट है, उस उसके हिसाब से हम यहाँ पे अपना नंबर दे देते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है सर। हम आ गए, जब सीट कब यूज करेंगे, कौन सा मेथड कब यूज करेंगे जी सर। क्लियर है जी सर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आपको सही से नहीं पता होगा, आप यूज कर देंगे, कल के डेट में आपका डेटा चेंज होगा, आपका सीट चेंज होगा, तो फिर आपको कोड एरर देगा, फिर उस कोड को उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना। ठीक है, ठीक है सर। तो इसमें सीट सीक्वेंस वाला जो नंबर रखना है सर, तो उसमें तो हम कोई भी नंबर दे सकते हैं ना, ऐसे प्लस जैसे कि मान लीजिए 5 है, तो 1 2 3 4 5 सीट, सारे सीट ले लेंगे। इसका यूज आता है लूप्स वगैरह में होता है, जो लूप लगाते हैं ना सर जी जी, उसमें होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नहीं सर। हम बात करते हैं कि अब सीट्स पे क्या क्या कर सकते, फाइल पे सिखा था कि फाइल पे हम क्या क्या कर सकते हैं, ऐसे हम अब बात करेंगे कि हम सीट पे क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है सर जी। तो सीट पे सबसे पहले तो हम सीट को ऐड करेंगे, राइट, सीट पे सीट को ऐड करना सीखेंगे। चलिए, तो सीट को हम ऐड करना सीखते हैं, जैसे हमने फाइल को सिखा था। तो यहां पे देते हैं हम शीट्स डॉट ऐड, जो शीट ऐड हुआ है उसको रिनेम करना है, तो हमें पता है जो शीट ऐड हुआ है वही एक्टिव शीट है। शीट डॉट नेम इक्वल टू, तो अपना नाम दे दीजिए, जो भी नाम देना है, जैसे डेटा। ओके, लेकिन मुझे पता है कि शीट का नाम डेटा ही चाहिए, तो डॉट ऐड डॉट नेम इक्वल टू डेटा। ओके, जब शीट ऐड करते हैं तो जो एक्टिव शीट्स है उसी के कोड ऐड हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कहाँ ऐड करना है, जैसे मुझे सबसे लास्ट में ऐड करना है, मैं आफ्टर पे चला जाऊंगा, एक कॉमा दे के मैं बिफोर को स्किप कर दिया शीट्स, और हम यहाँ पे शीट 3 कर दें या फिर 4 कर देते हैं, तो चौथे शीट के बाद आपका ऐड होगा। फिक्स नहीं है कि चौथा सीट ही लास्ट सीट होगा, यहाँ पे शीट्स डॉट काउंट ले लेंगे, तो क्या करेगा, शीट का दो शीट का काउंट करेगा, उसके बाद एक नया शीट ऐड कर देगा। अच्छा ठीक है, अब शीट ऐड हुआ है तो रिनेम भी कर लेंगे यहाँ से, ये रिनेम का ऑप्शन है। अब बात करते हैं डिलीट का, जब शीट डिलीट करना है, शीट 1 को मुझे डिलीट करना है, तो डिलीट का ऑप्शन डाल देंगे तो दिक्कत होगा, क्योंकि जैसे शीट डिलीट होगी ना सर, आपसे कंफर्मेशन पूछेगा, आपका मैक्रो रुक जाएगा। जब शीट डिलीट करने का ऑप्शन दे, उसके ऊपर एप्लीकेशन का एक कोड डालना होता है, एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स। क्या हो कि वो जो आता था डिलीट का,
ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम देते हैं कि मुझे शीट को मूव करना है, शीट वन जो भी शीट, अब शीट का कॉलिंग मेथड अपने हिसाब से, शीट्स होगा या शीट हो, शीट का प्रॉपर्टी नेम होगा या उसका सीक्वेंस नंबर होगा, वो डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशन पे। ठीक है सर, लेकिन ये एप्लीकेशन डॉस डिस्प्ले है अलर्ट वाला, उसमें हमें फॉल्स रखना है तो ट्रू भी करना पड़ेगा ना यस के लिए? जरूरी नहीं है, क्योंकि ये फॉल्स जो हुआ है सिर्फ इस माइक्रो तक का हुआ है, माइक्रो स्टॉप हो जाएगा तो ये बर्तना बंद हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है सर, यस आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सीट को मूव, आपने सीट डॉट मूव कर दिया या सीट वन डॉट कॉपी कर दिया, क्या होगा, एक नई फाइल में मूव या कॉपी हो जाएगी। लेकिन मुझे इसी फाइल के किसी सीट के चाहिए आफ्टर बिफोर, तो उसका सीट का नाम आपको देना होगा, जैसे कि जैन, तो जैन के बाद मूव हो जाएगा या फिर कॉपी। ओके ओके, लेकिन मुझे किसी अनुमतर फाइल से बुक टू के जैन में बात करना है तो इसके आगे लिखना पड़ेगा बर्क बुक्स और यहां पे बुक टू डॉट एक्सलेस एक्स और यहां पे और यहां भी सेम करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर। अब मूव के बाद आता है हाइट, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं सीट वन डॉट विजुअल इक्वल टू, आपने हिडन कर दिया कि नॉर्मल हिडन होगा, यहाँ से नॉर्मल जो हाइट करते हैं नॉर्मल हाइट, जी जी जी, कोई भी उसको अनहाइट कर सकता है। ओके ठीक है जी, लेकिन इसी में अगर हम हिडन के जगह पे वेरी हिडन डाल दिया तो फिर ये बीवीए के थ्रू ही खुलेगा, अनहाइड होगा, जब यहाँ कोड डालना पड़ेगा एक्सेल शीट विजुअल। ठीक है सर, ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब इसकी अगर मान लीजिए मुझे सीट को प्रोटेक्ट करना हो तो सीट वन डॉट प्रोटेक्ट और इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड और ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, मतलब कौन सा ट्रू फॉल्स जो जरूरत है, कहाँ जिसे जिस पे क्लिक करना है, जिसे मुझे शॉर्टिंग अलाउ करना है, आपको मुझे शॉर्ट को करना है तो कॉमा 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 करते जाइए, अलाउ शॉर्टिंग आ गया, अब यहाँ ठीक है। अब सीट का बैकग्राउंड कलर जो होता है वो चेंज करना है, सीट वन डॉट टैब डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड ग्रीन ब्लू जो भी देना दे सकते हैं, फिर बैकग्राउंड कलर चेंज कर सीट के नाम के नीचे जो होता है। तो सर ये वीवी रेड जो लिखा है उसका हर एक कलर का अलग कोड होगा सर? आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही, क्या बोल रहे? मैं ये बोल रहा हूँ जो आपने वीवी रेड करके कलर का नाम दिया ना, वीवी रेड ग्रीन ब्लू श्याम मैजेंटा डाल सकते हैं, और कलर में और भी कलर का कंसेप्ट है क्योंकि हम आगे एक क्लास में आपको सिखाएंगे। जी ठीक है, ठीक है। तो सीट पे क्या करते हैं, हम सीट को सिलेक्ट करते हैं, सीट ऐड करते हैं, सीट नेम करते हैं, सीट को हम डिलीट करते हैं, हम मूव करते हैं, हम कॉपी करते हैं, हाइड एंड हाइड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, यही करते हैं ना सर? जी, ये चीजें हो गई। अब इस सारे कोड की आप बैठ के अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्लास में हम बात करेंगे आपके साथ इससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट की। ओके ठीक है, ठीक है सर, इससे रिलेटेड हम एक प्रोजेक्ट आपको कल की क्लास में कराएंगे। ठीक है सर, राइट, यस, तो इसकी फटाफट प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। जी सर, ओके बाय, ओके बाय सर। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए।
हाँ सही हो।